यार भाई सर पीछे नैयर भाई है सर नैयर भाई है फोटो पर ले आ रहा फोटो पर ले ना बस बच्चे ठहरे ना बाहर जा फोटो पर लेता हूँ चल चल ऐसा देखो ऐसा ये अप्रैल 2021 तारीख साज कारनामा हुआ अंजाम दिया गया है ऑनरेबल ऑनरेबल हाईकोर्ट की जानिब से। एक मरदूद ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में के कलाम पाक के पुराने शरीफ 26 आयतों को अदब करने की दरख्वास्त दाखिल की थी। उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए तारीख साज फैसला उसको डिसमिस किया गया पिटीशन को खारिज की गई साथ में 50,000 का जुर्माने के साथ। आज सारा आलम इस्लाम के मुसलमानों को खुशी का दिन है जो सारा आलम इस्लाम खुशी का दिन मना रहा है। तेलंगाना सिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी ने जैसे ये बिल दाखिल किया था वसीम रजवी ने उसकी मजहबंत में खुतला नजर आतिश किया था तहफ़ कुरान के उनवान से बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़म किया था यहीं गदीर के मैदान पर। आज जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया तो आज हम तेलंगाना सिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से खुशी का इजहार करने के लिए और आतिशबाजी और मिठाई तकसीम करने के मकसद से यहाँ हम जमा हुए। ये हम बेहद मशहूर है हिंदुस्तान के आइन ने साबित कर दिया कि हमें शुरू से भरोसा था हिंदुस्तान की आइन पर कि ये इस मरदूद की पिटीशन डिसमिस होगी वो साबित हो गया है। हमें मुकम्मल भरोसा था है इंशाल्लाह रहेगा भी ज़रूर। जिस तरीके से शिया सुन्नी जो सारे हिंदुस्तान में मिलकर एहतजाज किए अमन और भाईचारे को बरकरार रखे इंशाल्लाह आने वाले लम्हात में भी हम सब मिलजुल कर रहेंगे। दुश्मनान इस्लाम को हमेशा इसी तरह की शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच के जजेस से उनके हम सारे हिंदुस्तान की जानते हमारे तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी में मशहूर है और जो काउंटर जो इस पिटीशन के मुखालफत में दो वकीला जो पिटीशन केस लड़ रहे थे उनके भी हम बेहद मशहूर है। आज काफ़ी मसरत का दिन है सारे आलम के मुसलमान।